वेलकम फ्रेंड्स, विल इंजन संदीप चैनल में। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हर दिन आप लोगों के लिए नया हाउस प्लान का वीडियो बनाता हूं, सो आज का जो हमारा हाउस प्लान है वो 24 फीट बाई 26 फीट का हमारा हाउस प्लान है, जो कि ग्राउंड फ्लोर का प्लान है और ईस्ट फेस का प्लान है। सो फ्रेंड्स, यहां पर आप देखेंगे मैंने मेन डोर दिया हुआ है। मेन डोर से जब होते हुए हम अंदर की ओर आते हैं तो यहां पर देखेंगे कि हमने एक हॉल दिया हुआ है। हॉल का जो साइज है वह 10 फीट 7 इंच बाई 15 फीट 7 इंच है। 10 फीट 7 इंच यहाँ से यहाँ तक है और 15 फीट 7 इंच यहाँ से यहाँ तक है। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देखेंगे हमने एक स्टेयर एल टाइप दिया हुआ है, जो एल टाइप का हमारा सीढ़ी है। यहाँ से यहाँ तक की जो चौड़ाई होगी वो 2 फीट 5 इंच है यहाँ से यहाँ तक। और फ्रेंड्स, इधर आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे इस साइड हमने बेडरूम हमारा फर्स्ट पड़ता है, तो बेडरूम नंबर फर्स्ट की जो साइज़ है वो है 11 फीट बाई 10 फीट है। 11 फीट यहाँ से यहाँ तक है और 10 फीट यहाँ से यहाँ तक है। फ्रेंड्स, आगे की ओर आते हैं तो आप देखेंगे हमने यहाँ पर D1 डोर दिया हुआ है। D1 डोर का जो साइज है वो D, यहाँ पर जो D है इससे छोटा है, जो कि हमारा D1 है यहाँ इससे छोटा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देखेंगे तो पूजा रूम दिया हुआ है हमने। पूजा रूम का जो साइज है वो 6 फीट बाई 3 फीट है। 6 फीट यहाँ से यहाँ तक है, 3 फीट यहाँ से यहाँ तक है। आगे की ओर आते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी हमने D डोर दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अंदर की ओर आते हैं जब तो हमारा बेडरूम नंबर 2 पड़ता है। बेडरूम नंबर 2 का जो साइज़ है वो भी सेम बेडरूम नंबर 1 की तरह है, 11 फीट बाई 10 फीट। 11 फीट यहाँ से यहाँ तक है और 10 फीट यहाँ से यहाँ तक है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने एक WC या बाथरूम अटैच कर दिया हुआ बेडरूम नंबर 2 से, जिसका साइज है 4 फिट 2 इंच 3 फिट 5 इंच। 4 फिट 2 इंच यहाँ से यहाँ तक है और 3 फिट 5 इंच यहाँ से यहाँ तक है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो इसके बगल में हमने एक दिया हुआ है WC बाथरूम में, एक और दिया हुआ है जिसका साइज है 4 फिट 2 इंच 4 फिट। 4 फिट 2 इंच बाई 4 फिट है। यहाँ से यहाँ तक 4 फिट 2 इंच रहेगा, यहाँ से यहाँ तक 4 फिट रहेगा। इसके बगल में हमने किचन दिया हुआ है। किचन का जो साइज है वो 6 फीट बाई 8 फीट है। 6 फीट यहाँ से यहाँ तक रहेगा और 8 फीट यहाँ से यहाँ रहेगा। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यहाँ पर हमने कॉलम दिया हुआ है। यहाँ पर भी हमने कॉलम दिया हुआ है, यहाँ भी हमने कॉलम दिया है, यहाँ पर भी कॉलम दिया हुआ है। ये भी कॉलम है, 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 और ये भी कॉलम है, ये भी कॉलम, ये भी कॉलम है। यहाँ पर हम देखेंगे तो विंडो दिया हुआ है। ये W विंडो है, ये W1 विंडो है। W1 विंडो की जो साइज़ है वो W से छोटी रहेगी। यहाँ पर भी W दिया है, यहाँ पर भी। ये सब जितने भी W विंडो हैं सबकी साइज सेम होगी, W1 की जो होगी वो छोटी होगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने V लिखा हुआ है, जो कि वेंटिलेटर दिया हुआ है हमने यहाँ पर WC के। यहाँ पर हमने वेंटिलेटर दिया हुआ है।